तीनों हसीनाओं के बॉयफ्रेंड, किसे दिल दे बैठी हैं ये तीनों हीरोइने। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको भोजपुरी की इन तीन हसीनाओं के रियल लाइफ बॉयफ्रेंड से मिलाने वाले हैं। और आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मिलाते हैं आपको अक्षरा सिंह के बॉयफ्रेंड से। तो अक्षरा सिंह के बॉयफ्रेंड कितने दिनों तक पवन सिंह रहे और इनका रिश्ता कितना गहरा हो चुका था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल तो इनका रिश्ता टूट चुका है और अभी इनके बॉयफ्रेंड चिंटू पांडे को बताया जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप इनकी दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन भी अच्छी है और ऑफ स्क्रीन भी। इनकी जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। तो आपको ये दोनों साथ में कैसे लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आम्रपाली दुबे की। तो आम्रपाली और निरहुआ के रिश्ते की बात तो किसी से नहीं छुपी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी हैं। निरहुआ और आम्रपाली हर जगह एक साथ जाते हैं और आम्रपाली ज्यादातर फिल्में भी निरहुआ के साथ ही करती हैं। आम्रपाली निरहुआ के साथ 35 फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इनकी जोड़ी के भी लाखों लोग दीवाने हैं। और अब बात कर लेते हैं काजल राघवानी की। तो काजल राघवानी के बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। इनके रिश्ते को लेकर ये भी कहा जाता है कि इन दोनों ने असल जिंदगी में शादी कर ली है, लेकिन ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। इनकी जोड़ी के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं और इनकी जोड़ी हमेशा चर्चाओं में भी बनी रहती है। वेल, तो आप सबको इन तीनों हीरोइनों के बॉयफ्रेंड में से कौन सबसे ज्यादा हैंडसम लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।